मैं रतनदीप आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। और मैं आज आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं एडलस्ट्रॉप चैप्टर का, जो बिहार बोर्ड के इंग्लिश के अंतर्गत एक चैप्टर है। बिहार बोर्ड में दो तरह के इंग्लिश होते हैं, 100 मार्क्स के और 50 मार्क्स के। तो ये 50 मार्क्स के अंतर्गत पोइट्री सेक्शन का पाँचवा चैप्टर है। तो इसी चैप्टर का मैं आज ऑब्जेक्टिव आपके साथ लेकर के आया हूँ, इसलिए आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। साथ ही साथ इसी चैनल पे यदि आप नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके अलावा इसी वीडियो को यदि आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो आप हमारे पेज को लाइक कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, आप लोगों का काफ़ी सहयोग और सपोर्ट रहा है हमारे प्रीवियस वीडियो में। मैंने जितना वीडियो पीछे अपलोड किया है उसमें आप लोगों का प्यार और सहयोग काफ़ी है। इसके लिए मैं आप सभी को काफ़ी धन्यवाद कहता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि आप हमें इतना प्रेम और सहयोग देते हैं। चलिए समय को बिना वेस्ट किए देखते हैं आज का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, जो इस पाठ पर आधारित है। जैसा कि फ्रेंड्स, मैं अभी अपने वेबसाइट पर हूँ और मेरे वेबसाइट पर ये पोस्ट लिखा हुआ है, आप इन्हें पढ़ भी सकते हैं। चलिए देखते हैं आज का पहला सवाल। एडवर्ड थॉमस पोएम व पब्लिश्ड, एडवर्ड थॉमस का कविता कब प्रकाशित किया गया था। तो एडवर्ड थॉमस के जितने भी कविता है वो कविता उसके मरने के बाद पब्लिश किए गए थे, तो इसीलिए इसका आंसर है आफ्टर हिज डेथ, जो सी नंबर में है। यहाँ पे ऑप्शन चार है उसमें से सी सही है। दूसरा सवाल है, एडवर्ड थॉमस वॉज बोर्न इन, एडवर्ड थॉमस का जन्म कब हुआ था। तो एडवर्ड थॉमस का जन्म 1878 में हुआ था, जो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में है। तीसरा सवाल है, एडवर्ड थॉमस वॉज डाइड इन, एडवर्ड थॉमस का निधन कब हुआ था। तो एडवर्ड थॉमस का निधन 1917 ईस्वी में हुआ था। इसी क्रम में देखते हैं आज का चौथा सवाल। चौथा सवाल है, एडलस्ट्रॉप इज अ, इसका मतलब हुआ कि एडलस्ट्रॉप क्या है। तो एडलस्ट्रॉप इस कविता में एक रेलवे स्टेशन है। अब देखते हैं अगला सवाल, यानी कि पांचवा सवाल। और पांचवा सवाल है, इन द पोयम द पोएट डिस्क्राइब्स द एक्टिविटीज ऑफ, कविता में कवि किसकी गतिविधियों का वर्णन करते हैं। तो कविता में कवि नेचर के गतिविधियों का वर्णन करते हैं, और ये ऑप्शन नंबर सी में है। इसी क्रम में देखते हैं छठवां सवाल, और छठवां सवाल है, एडवर्ड थॉमस हैड प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन, इसका मतलब हुआ एडवर्ड थॉमस ने कहाँ एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो इसका आंसर है द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, प्रथम विश्व युद्ध में। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए अब देखते हैं सातवां सवाल, द नेचुरल ब्यूटी ऑफ विच प्लेस हैड मेसमराइज्ड द पोएट दैट ही हैड टू कंपोज अ पोएम, कहने का मतलब ये हुआ किस स्थान की प्राकृतिक सुंदरता ने कवि को मंत्रमुग्ध कर दिया था कि उसे एक कविता रचना करनी है। तो इसका आंसर है एडलस्ट्रॉप। फ्रेंड्स, आपको ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर कैसा लग रहा है आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। आठवां सवाल है, हु इज द पोएट ऑफ द पोएम एडलस्ट्रॉप, कहने का मतलब इस पाठ के कवि कौन है। और इस पाठ के कवि के बारे में आप ऊपर में बहुत कुछ सीख चुके हैं, तो इस पाठ के कवि हैं एडवर्ड थॉमस, जो ऑप्शन नंबर ए में है। अब देखते हैं नौवां सवाल, व्हाट कम्स इन द मेमोरी ऑफ द पोएट एडवर्ड थॉमस, मतलब कवि एडवर्ड थॉमस की याद में क्या आता है। तो कवि एडवर्ड थॉमस एडलस्ट्रॉप जगह को
याद करता है। देखते हैं दसवां सवाल, एट व्हाट टाइम द एक्सप्रेस ट्रेन स्टॉप एट अ लोनली स्टेशन एडलस्ट्रॉप। किस समय एक्सप्रेस ट्रेन अकेले स्टेशन पर रुक गई थी? तो उसका समय था आफ्टरनून, इस कविता के अनुसार। फ्रेंड्स, यदि आपको मेरा ये काम पसंद आता है तो आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं patreon.com रतनदीप पर, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। इसके अलावा यदि आप इसी जानकारी को हमारी वेबसाइट पर पढ़ना चाहते हैं तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। 11वां सवाल है, द पोइट हैड हर्ड द सिंगिंग ऑफ। कवि ने किसकी गायन सुना था? तो इसका आंसर है सी नंबर में, ब्लैकबर्ड। और देखते हैं आज के एपिसोड का अंतिम सवाल, व्हाट वॉज सराउंडेड अराउंड द ब्लैकबर्ड। ब्लैकबर्ड के चारों ओर क्या था? तो ब्लैकबर्ड के चारों ओर मिस्ट था, यानी कि कोहरा था। उम्मीद करता हूँ कि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। चलते चलते आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, साथ ही साथ इसी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को यदि आप हमारी वेबसाइट पर पढ़ना चाहते हैं तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। चलते चलते फ्रेंड्स, आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और यदि आप इसी वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे थे तो हमारे पेज को लाइक निश्चित कीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, मिलेंगे इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को कहता हूँ काफ़ी धन्यवाद। खुश रहिए, मस्त रहिए, और इसी तरह कुछ न कुछ नया सीखते रहिए। आप सभी का काफ़ी धन्यवाद।